are going to discuss about demand and different factors which affect demand. In this topic, we'll also cover individual demand, what is individual demand, what is its graph, schedule, market demand, its graph and schedule. So all the topics we are going to cover. So guys, stay tuned, stay longer with me and keep on watching the video. So this is Pragya Shwastav, welcomes you all to Commerce Adda. So now let's start with our topic. Demand. What is demand? Demand kya hai? Demand refers to a particular quantity of a commodity that a consumer is willing and is able to purchase at a given price during a given period of time. See, yahan pe kya hai? Demand, matlab Hindi mein jise hum kehte hain mang, ek particular quantity hai commodity ka, ek nishchit matra kisi bhi vastu ki ya kisi bhi saman ki, jise hum yani consumer yani ki main, aap, aapka friend, aapki maa, aapke father, jo bhi consumer hai, customer hai, to aap agar kisi commodity ko purchase karna chahte ho, use karna chahte ho, aapki ichha hai, willing, you are willing to purchase. First point is willing. Yahan pe demand ke definition mein 4 points cover hote hain, jisme sabse pehla point hai willingness. Consumer ka willingness hona bahut compulsory hai, kyunki jab tak consumer willing nahi hoga, wo chahega nahi kisi bhi commodity ko khareedna, wo nahi khareedega. To first point hai willingness. So jab aap kisi bhi particular commodity ko khareedna chahte hain, ab chahne ke baad sirf chahna hi to nahi compulsory hota na, chahne ko to aap chaho to chand mujhe chahiye, tare mujhe chahiye, that is not possible. Willingness hone ke saath saath aap able bhi hone chahiye. Able kya means, aapke pocket mein itna paisa hona chahiye ki aap us commodity ko purchase kar sako. Theek hai, to ye second point kya hai, ableness, ability. ठीक है, तो यानी कि आप अगर किसी कमोडिटी की इच्छा करते हैं, उसे परचेज करना चाहते हैं और आप सक्षम हैं, आप एबल हैं उस कमोडिटी को खरीदने के लिए. ठीक है, दो पॉइंट्स हमने कवर किए. थर्ड पॉइंट है गिवन प्राइस पे, मतलब उस कमोडिटी की, उस पर्टिकुलर कमोडिटी की जो प्राइस है, जो मूल्य है मार्केट में, आपको उस प्राइस से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपको लग रहा है कि हाँ वो प्राइस सुटेबल है उस कमोडिटी के लिए, आप उतना खर्चा कर सकते हो. ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या है, गिवन प्राइस. एंड फोर्थ पॉइंट इज एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब इस टाइम में या जिस भी टाइम में आप उस पर्टिकुलर कमोडिटी को खरीदना चाहते हो, उस टाइम में उस कमोडिटी का जो प्राइस है आपको सुटेबल लग रहा है. ठीक है, हो सकता हो कि आज एक कमोडिटी है जिसका प्राइस बहुत हाई है, आपको आज के डेट में वो प्राइस उस कमोडिटी को ख़रीदना तो चाहते हो, आपके पास पैसे भी हैं, लेकिन आप सोच रहे हो कि यार इतने पैसे मैंने क्यों खर्च करने. हो सकता हो कुछ दिन इंतज़ार कर लें तो ये कमोडिटी का प्राइस थोड़ा सा फॉल हो जाए, थोड़ा सस्ता हो जाए. जैसा कि हमारे मार्केट में होता है, कोई भी न्यू प्रोडक्ट अगर लॉन्च होता है तो उसका प्राइस बहुत हाई होता है, कुछ टाइम बाद धीरे धीरे प्राइस गिरने लगती है. ठीक है, तो हो सकता हो कि कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है मार्केट में जिसका प्राइस आपको सुटेबल लग रहा है, लेकिन इस टाइम पे आप उतना नहीं पे करना चाहते हो, आपकी इच्छा नहीं है. ठीक है, तो चार पॉइंट क्या कवर हुए, विलिंगनेस, एबिलिटी, गिवन प्राइस एंड एट अ टाइम. ठीक है, गिवन पीरियड ऑफ टाइम. चारों पॉइंट क्या है, आप एक कस्टमर हो, ठीक है, आप किसी कमोडिटी को परचेज करना चाहते हो और चाहने के साथ साथ आप परचेज कर भी सकते हो, आपके पॉकेट में उतना बैलेंस है, आपके बैंक में उतना बैलेंस है. ठीक है, आप परचेज कर सकते हो, कब, जब उस एक पर्टिकुलर टाइम पे जब आपका मन कर रहा है, उस टाइम पे जो प्राइस है उस प्रोडक्ट की वो आपको सुटेबल लग रही है कि हाँ मुझे इतना पैसा खर्च करना है. ठीक है, सो डिमांड रिफर्स टू अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी किसी कमोडिटी की जो आप
खरीदना चाहते हो, आप खरीद रहे हो एट अ पर्टिकुलर टाइम एट अ पर्टिकुलर प्राइस, ठीक है। सो दिस इज़ डिमांड। इन अदर वर्ड्स, डिमांड इज़ द कंज्यूमर्स डिज़ायर एंड एबिलिटी टू परचेज गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। सिर्फ इच्छा होना, विलिंगनेस होना इज़ नॉट इनफ। विलिंगनेस होने के साथ साथ एबिलिटी भी होनी चाहिए, आपको प्राइस भी सुटेबल लगना चाहिए और वो टाइम भी आपके लिए परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। हो सकता हो आज का टाइम हमारे लिए परफेक्ट ना हो, कल को वो टाइम हमारे लिए परफेक्ट हो जाए, ठीक। तो ये चारों पॉइंट जब तक कवर नहीं होते हैं, डिमांड का डेफिनेशन पूरा नहीं हो सकता है, ठीक है। सो डिमांड मीन्स अब कोई भी कॉमोडिटी, सिंपल भाषा में अगर हम कहें, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी किसी कॉमोडिटी को जिसे आप परचेज़ करना चाहते हो और आप परचेज़ कर सकते हो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड एट अ गिवन प्राइस, फाइन। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर टू यू। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक, वॉट इज़ इंडिविजुअल डिमांड। सी, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ डिमांड। हमारे मार्केट में दो कैटेगरी हैं डिमांड के, फर्स्ट इज़ इंडिविजुअल डिमांड एंड सेकेंड वन इज़ मार्केट डिमांड। चलिए अब हम समझते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होते हैं। आपने समझा कि डिमांड क्या होता है, ठीक है। डिमांड मीन्स अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डैट अ पर्टिकुलर कंज्यूमर इज़ विलिंग टू परचेज एंड ही और शी इज़ एबल टू purchase at a given price during a given period of time. So now individual demand, यहाँ पर एक word लग जा रहा है individual. Individual अगर English में हम इसका meaning निकालें तो individual मतलब एक single person, ठीक है। तो बाकी सारा point same है, सब कुछ same है, बस एक word है individual. तो यहाँ पर क्या है, हम demand को study करते हैं किसी एक consumer के हिसाब से. मीन्स अगर आपको डिमांड की स्टडी करनी है कि डिमांड क्या है, तो हो सकता हो आप अपने फ्रेंड के ऊपर कंसिडर करो. आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, मार्केट में बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा काउंटिंग में बायर्स हैं, लेकिन आपने क्या करना है, किसी एक सिंगल कंज्यूमर के ऊपर स्टडी करना है, ठीक है. तो इंडिविजुअल डिमांड शोज़ different quantity of a commodity that a particular buyer मतलब एक single buyer या एक single consumer किसी भी commodity को purchase करने के लिए, market में जो commodity है उसे purchase करने के लिए एक single customer ready है at a particular price during a given period of time, ठीक है. individual demand means a single buyer or consumer जो market में है वो ready है एक commodity को different prices पे, different possible prices पे खरीदने के लिए during a given period of time, ठीक. अब demand में और price में एक किसी भी सामान को खरीदना या चाहना कि ये सामान मेरे पास हो, ये कमोडिटी मेरे पास हो, मुझे बहुत पसंद है, मैं ख़रीदना चाहता हूँ, इन सब को पूरा करने के लिए ना पैसे की ज़रूरत है. जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा आप उस कमोडिटी को चाह के भी नहीं परचेज़ कर सकते हो. तो ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है, जो आप डिमांड कर रहे हो किसी भी कमोडिटी को, और जो प्राइस है उस कमोडिटी की, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है. कैसा रिलेशनशिप है? सो ये रिलेशनशिप इनवर्स है, मतलब अपोजिट है. देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी. इनवर्स मतलब कैसे, देखो, हायर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड एंड लोअर द प्राइस हायर द क्वांटिटी डिमांडेड. सिंपल सी लाइन है कि प्राइस अगर कमोडिटी का बहुत ज़्यादा है तो उसका डिमांड मार्केट में कम होगा. बहुत महंगी चीज़ें बहुत सारे लोग नहीं खरीदते, कुछ लोग खरीदते हैं, ठीक है. तो जितना ज़्यादा दाम होगा उतना कम उसका डिमांड होगा,
एंड लोअर द प्राइस, जितना कम दाम होगा उतना ज़्यादा डिमांड होगा. हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड. सो दिस इज़ अ सिंपल इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी. ओके गाइज, नाउ सी, मैं आपको डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और कर्व के थ्रू आपको समझाती हूँ. सी, पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ गुड एक्स, हम यहाँ किसी भी गुड को एक्स नाम से सपोज कर रहे हैं, ठीक है. पी एक्स हो गया प्राइस ऑफ गुड एक्स. प्राइस क्या है, 1, 2, 3, 4 रुपीज़ हैं, 1, 2, 3, 4. और इधर क्या है, क्यू एक्स. क्यू मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स, ठीक है. मैंने क्या बोला, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड. सी, यहाँ पे जब प्राइस 1 थी तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 4 यूनिट थी, ठीक है. दाम कम है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा है. जब प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, 1 से 2 हुआ, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया, गिर गया. क्वांटिटी की जो डिमांड है वो फॉल कर गई, 4 से 3 हो गई. प्राइस अगेन इंक्रीज हुआ, डिमांड अगेन डिक्रीज हुआ. सी, आप क्लियर देख सकते हो कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है. यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है. प्राइस ऊपर जाता है, डिमांड नीचे आता है. सी, ये है कर्व. एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड. वाई एक्सिस पे क्या है, प्राइस. सी, तो प्राइस क्या थी, 1, 2, 3, 4 एंड क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी, 4, 3, 2, 1. सी, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. अगर हम बात करते हैं डिमांड कर्व की, तो जब प्राइस 1 था, क्वांटिटी डिमांडेड हमारा 4 था. जब प्राइस 1 था तो आप देख सकते हो क्वांटिटी डिमांडेड 4 था. आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखो जो 1 से स्टार्ट हो रही है वाई एक्सिस पे और 4 पे जा रही है, ठीक है. जब प्राइस 2 था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी, 3 यूनिट थी. जब 3 था तो क्वांटिटी डिमांडेड 2 था, और जब प्राइस 4 था तो क्वांटिटी डिमांडेड 1 था, ठीक है. तो आपका ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फॉर्म हुआ है एक स्ट्रेट लाइन में, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं डी से. सो डिमांड कर्व इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ठीक है. आप क्लियरली देख सकते हो. अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मार्केट डिमांड. हमने क्या डिस्कस किया, डिमांड हमने डिस्कस किया, इंडिविजुअल डिमांड, उसके कर्व, उसके शेड्यूल, ठीक है. अब हम डिस्कस करेंगे मार्केट डिमांड. सो व्हाट इज़ मार्केट डिमांड. सी, हमने इंडिविजुअल डिमांड में पढ़ा कि किसी एक कंज्यूमर के बारे में, कोई एक कंज्यूमर है जो डिफरेंट क्वांटिटी है किसी कमोडिटी को की, और उसे वो डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पे ख़रीदना चाहता है, ठीक है. यहाँ पे क्या है, मार्केट डिमांड. मार्केट मतलब यहाँ किसी एक कंज्यूमर की बात नहीं होगी, यहाँ मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जितने भी, जो भी पॉपुलेशन है हमारे कंट्री की, इसमें जितने भी कंज्यूमर हैं उन सब की बात होती है, ठीक है. तो मार्केट डिमांड शोज़ द डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटी दैट ऑल द बायर्स और कंज्यूमर्स इन द मार्केट आर रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ऑफ अ कमोडिटी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. वहाँ पे क्या था इंडिविजुअल डिमांड में, कि एक कंज्यूमर था जो किसी भी कमोडिटी को ख़रीदने के लिए तैयार था डिफरेंट प्राइजेस पे एक पर्टिकुलर टाइम पे. यहाँ पे क्या है, ऑल द बायर्स एंड कंज्यूमर हुएवर इज़ इन द कंट्री और इन योर नियर सराउंडिंग, यहाँ पे सबकी बात हो रही है. ऑल द बायर्स हु आर रेडी टू बाय अ प्रोडक्ट एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस, ठीक है. हम यहाँ किसी एक के बारे में बात नहीं करते हैं. मार्केट डिमांड में जितने भी कंज्यूमर हैं, जितने भी बायर हैं, हम सबको एक साथ इंक्लूड करते हैं, ठीक. अब यहाँ पे कर्व देखते हैं, शेड्यूल देखते हैं, आपको क्लियर समझ में आएगा. सी, पी एक्स मीन्स प्राइस ऑफ गुड एक्स, ठीक है. फिर नेक्स्ट कॉलम क्या है हमारा, क्यू एक्स, जिसमें हमने दो कंज्यूमर लिया. मार्केट डिमांड है, किसी एक के बारे में तो बात हो नहीं रही है. यहाँ पे जैसे इंडिविजुअल डिमांड कर्व में
इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में सिर्फ एक कंज्यूमर था तो एक क्वांटिटी डिमांडेड थी, वहाँ दो कॉलम्स नहीं थे। बट यहाँ पे मार्केट डिमांड में कंज्यूमर वन है, कंज्यूमर टू है, या फिर ए है और बी है। ठीक है, हम दो कंज्यूमर से आपको क्लियरली समझाते हैं। जैसे प्राइस जब रुपीज़ वन था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना हुआ, फोर। सपोज़ आप हो और आपका फ्रेंड है, दो कंज्यूमर है मार्केट डिमांड में हम बात कर रहे हैं। सपोज़ वन रुपीज़ है, आप किसी कमोडिटी को आप दोनों परचेज़ करना चाहते हो, तो वन रुपीज़ में आपने फोर यूनिट परचेज़ किया उस कमोडिटी का और आपके फ्रेंड ने फाइव यूनिट परचेज़ किया। ठीक है, जब टू रुपीज़ था प्राइस इंक्रीज़ हुआ, डिमांड डिक्रीज़ हो गया, आपने थ्री यूनिट परचेज़ किया और आपके फ्रेंड ने फोर यूनिट परचेज़ किया। ठीक, प्राइस अगेन इंक्रीज़ हुआ, डिमांड अगेन डिक्रीज़ हुआ, आपने टू यूनिट परचेज़ किया, आपके फ्रेंड ने थ्री यूनिट परचेज़ किया। तो यहाँ तो हमने एक एक आपकी और आपके फ्रेंड की सिंगल सिंगल बात की ना, अलग अलग बात की। लेकिन मार्केट डिमांड की जगह जब हम बात करेंगे तो आपके डिमांड को प्लस आपके फ्रेंड की डिमांड को, दोनों को हम जोड़ देंगे। प्राइस तो सेम है लेकिन डिमांड दो अलग पर्सन कर रहे हैं, बट हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, मार्केट डिमांड की। तो दोनों के डिमांड को हम ऐड ऑन कर देंगे। तो आपका डिमांड फोर यूनिट वन रुपीज़ पे और आपके फ्रेंड की डिमांड फाइव यूनिट, दोनों को हमने ऐड किया, नाइन हुआ, यानी कि वन रुपीज़ पे टोटल नाइन यूनिट का डिमांड हुआ। ठीक, टू रुपीज़ पे टोटल सेवन यूनिट का डिमांड हुआ, थ्री रुपीज़ पे टोटल फाइव रुपीज़ का डिमांड, फाइव यूनिट का डिमांड हुआ सॉरी, एंड फोर रुपीज़ पे टोटल थ्री यूनिट्स का डिमांड हुआ। ठीक, यहाँ भी आप मार्केट डिमांड में भी, टोटलिंग में भी देख सकते हो कि जब प्राइस इंक्रीज कर रही है, डिमांड डिक्रीज कर रही है। सो नाउ लेट्स मेक इट मोर क्लियर विद द हेल्प ऑफ कर्व। यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर ए कंज्यूमर बी, यहाँ पे ए का डिमांड कर्व अलग बना है, बी का डिमांड कर्व अलग बना है। और जो ये शेड्यूल में मार्केट डिमांड है, यानी ए कंज्यूमर और बी कंज्यूमर का जो डिमांड ऐड हुआ है, उसका कर्व अलग है। ठीक है, सी ए के डिमांड कर्व में आप देख सकते हो डिमांड कर्व का स्लोप सेम वैसे ही है जैसे बी में है, सेम है। प्राइस वन था, डिमांड फोर था, प्राइस टू था, डिमांड थ्री था। ठीक है, और बी के डिमांड कर्व में प्राइस वन था, डिमांड फाइव था, प्राइस टू था, डिमांड फोर था। अब हमने मार्केट डिमांड में क्या किया, इन दोनों के कर्व को ऐड कर दिया, इन दोनों के डिमांड को ऐड कर दिया। तो जब प्राइस वन था तो डिमांड कितना था, नाइन। आप देख सकते हो फोर आपका और फाइव आपके फ्रेंड का, दोनों को ऐड किया, नाइन हो गया। तो वन रुपीज़ पे डिमांड कितना हुआ, नाइन। टू रुपीज़ पे कितना हुआ, सेवन। थ्री रुपीज़ पे कितना हुआ, फाइव। और फोर रुपीज़ पे कितना हुआ, फाइव थ्री सॉरी। डिमांड कर्व का स्लोप सेम है, उसमें कोई चीज नहीं है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है। बट मार्केट डिमांड होने के वजह से देखो आप, क्लियर डिफरेंस है, एक्सटेंड हो गया है। जो डिफरेंस है डिमांड कर्व का और वाई एक्सिस का, वो थोड़ा सा ब्रॉड हो गया है। ठीक है, सो दिस इज मार्केट डिमांड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट डिमांड। अब डिमांड है, आप कंज्यूमर हो, आप प्रोडक्ट्स के डिमांड करते हो, लेकिन उस पर्टिकुलर कमोडिटी के डिमांड पे बहुत सारी पॉइंट्स का असर होता है। असर मे बी नेगेटिव हो सकता है, मे बी पॉजिटिव हो सकता है, कि जिसके वजह से उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। तो अब हम उन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि डिमांड पे इफेक्ट डालते हैं। सो बट बिफोर दैट गाइज, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ गाइज, दोज हूएवर आर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट, एंड इफ कोई भी सजेशन हो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज़ 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 गाइज सब्सक्राइब करें, आपके एक एक सब्सक्रिप्शन, आपके एक एक लाइक्स मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इट मे मोटिवेट मी टू डू मच मोर बेटर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड,
कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज़ प्राइस ऑफ कमोडिटी. सबसे पहला पॉइंट क्या है डिमांड पे, जो सबसे पहला पॉइंट है जो असर डालता है वो क्या होता है, किसी भी कमोडिटी का प्राइस. अगर आप किसी कमोडिटी को परचेज करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो कि उस कमोडिटी का प्राइस क्या है, क्योंकि जब तक पैसा नहीं होगा बॉस कोई नहीं खरीद सकता. सो देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है. जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करेगी डिमांड डिक्रीज करेगी, जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज करेगी डिमांड इंक्रीज करेगी. ठीक है, कोई कमोडिटी है आप परचेज करना चाहते हो, लेकिन शायद हो सकता हो कि आपके लिमिट से या आपके पास उतने पैसे ना हो कि आप उस कमोडिटी को परचेज करो. ठीक है, सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उस कमोडिटी को नहीं खरीदेंगे, या हो सकता हो कि आपके पास पैसे हों तो आप खरीदेंगे. सी, सो सिंपल सा फंडा है कि प्राइस जो है कमोडिटी की वो सबसे पहला पॉइंट है जो डिमांड पे असर करता है. अच्छा, एक कंडीशन और हो सकता है कि सपोज़ कोई ऐसी बहुत कंपल्सिव आइटम है, नेसेसिटी है, बट वो बहुत महंगी है. ठीक है, कोई भी ऐसी कमोडिटी है जो थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है ख़रीदना, आप उसे ख़रीदना चाहते हो. सकता हो सिर्फ एक नहीं, दो तीन चार या फिर 10 कौन यूनिट हो, तो मे बी महंगी आपको लग रही हो, तो हो सकता हो कि आप उस कमोडिटी की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दें. जिसे आप 10 यूनिट में ख़रीदना चाहते थे, हो सकता हो आप 8 खरीदो, हो सकता हो आप 7 खरीदो. ठीक है, तो प्राइस जो है वो डिमांड पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है. ठीक, सेकेंड पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स मतलब एक सिंपल सा मतलब है कि कोई कमोडिटी है जिसे आप परचेज करना चाहते हो. ठीक है, थोड़ी एक्सपेंसिव लग रही है आपको या सुटेबल नहीं लग रही है, या फिर हो सकता हो सुटेबल हो लेकिन मार्केट में उस प्रोडक्ट जैसा कोई और ऑप्शन अवेलेबल हो, या फिर उसका कुछ अदर सब्स्टिट्यूट हो जो उसकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हो, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हो जो मार्केट में हो. ठीक है, तो वो भी इफ़ेक्ट डालती है आपके प्रोडक्ट के डिमांड पे. तो ऐसी दो कैटेगरीज, दो टाइप्स हैं. डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज़ आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. दीज आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज़ सब्स्टिट्यूट गुड्स. सब्स्टिट्यूट मतलब जो एक की जगह दूसरा यूज़ हो जाए. सब्स्टिट्यूट मतलब यही ना, नॉर्मल इंग्लिश के सेंस से अगर निकालें तो एक के बदले दूसरा, मींस ऑप्शन. ठीक है, एक वर्ड में कहें तो ऑप्शन. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर द गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर, सच एज टी और कॉफ़ी. ठीक है, मतलब मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट है, ठीक, जिसका मार्केट में सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल है. आप, हो सकता हो कि आप जिस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हो उसका प्राइस आपको बहुत ज़्यादा लग रहा हो, एक्सपेंसिव लग रहा हो आपको, तो आप दूसरे सब्स्टिट्यूट की तरफ शिफ्ट हो जाओ. ठीक है, तो जो प्रोडक्ट आप ख़रीदना चाहते थे वो तो आपने नहीं ख़रीदा, आपने दूसरे प्रोडक्ट को जो उसका, उससे रिलेटेड जो उसका सब्स्टिट्यूट था, आपने उसे परचेज़ कर लिया. तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट था जिसे आप ख़रीदना चाहते थे उसकी तो डिमांड डिक्रीज़ हुई ना, अल्टीमेटली उसकी डिमांड डिक्रीज़ हुई, और उसके प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के प्राइस ज़्यादा होने की वजह से जो सब्स्टिट्यूट था उसका, उसका डिमांड इंक्रीज़ हुआ. देखो मैं एग्ज़ाम्पल देखे क्लियरली समझाती हूँ. हम टी कॉफ़ी का एक नॉर्मल सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं जो मोस्टली लिया जाता है. ठीक है, सपोज़ टी का प्राइस नहीं, सपोज़ कॉफ़ी का प्राइस बहुत ज़्यादा है, आप कॉफ़ी कंज्यूम करना चाहते हो, लेकिन हो सकता हो कि आप डेली बेसिस पे कॉफ़ी कंज्यूम करने के केपेबल ना हो, आपके पास उतना पैसा ना हो, आपको एक्सपेंसिव लग रहा हो कि इतना पैसा मैं क्यों खर्च करूं. ठीक है, तो हो सकता हो कि प्राइस को जो कॉफ़ी का बहुत हाई है, तो उसकी वजह से आप टी की तरफ शिफ्ट हो जाओ कि उसका प्राइस कम है, हम टी से ही काम चला लेते हैं.
हम टी पे ही स्पेंड करते हैं मनी, ठीक है। तो हुआ क्या, रिजल्ट क्या हुआ, जो आपका डिमांड था कॉफ़ी के लिए, आपका डिमांड शिफ्ट हो गया किसकी तरफ, टी के तरफ। क्यों? क्योंकि टी और कॉफ़ी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंक्रीज सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ अदर प्रोडक्ट। सिंपल सा मतलब है कि दो सब्स्टिट्यूट हैं, अगर एक के प्राइस में, एक का प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो उसका डिमांड जो है वो दूसरे सब्स्टिट्यूट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, जो अदर प्रोडक्ट है, उसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। एंड डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन विल डिक्रीज द डिमांड ऑफ अदर। और जो अगर डिक्रीज है हो रहा है किसी एक के प्राइस में, तो हो सकता हो कि जो दूसरा सब्स्टिट्यूट है उसके डिमांड में डिक्रीज हो जाए। क्यों? जैसे अगर कॉफ़ी आपको अच्छी लगती है, कॉफ़ी का प्राइस सपोज़ आज बहुत एक्सपेंसिव है, आपको नहीं उतना मन कर रहा है कि खर्च करने का, यार मैं इतना क्यों खर्च करूँ, मैं नहीं करूँगा वाला सीन है, तो आपने हो सकता हो कि टी के तरफ शिफ्ट किया। तो प्राइस कॉफ़ी का बढ़ा, डिमांड किसका बढ़ा, टी का बढ़ा। बट हो सकता हो कल को कॉफ़ी का प्राइस डिक्रीज कर जाए, तो फिर आपका मन करेगा यार जब इतने पैसे में इतना ही मिलना है, जब इतने पैसे में कॉफ़ी मिल जाना है, तो मैंने क्यों टी की तरफ शिफ्ट करना है। आप फिर टी से शिफ्ट कर जाओगे कॉफ़ी की तरफ। प्राइस किसकी डिक्रीज हुई, कॉफ़ी की। डिमांड किसकी डिक्रीज हुई, टी की, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में जो पहला प्रोडक्ट है, अगर उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। और अगर पहले प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। नाउ सेकंड टाइप क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या? अच्छा, हम लोग कभी जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो कुछ कुछ कभी कई बार कॉम्प्लीमेंट्री कुछ फूड आइटम्स मिलते हैं या फिर कुछ ईटेबल्स मिलते हैं हमें, तो उस कॉम्प्लीमेंट्री को हम इंजॉय करते हैं, ठीक। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, जो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, एक प्रोडक्ट जो दूसरे उसके जो ऑप दूसरे प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, बिना एक दूसरे के सपोर्ट के। दो प्रोडक्ट हैं आपके हाथ में, सपोज टू फिंगर्स हैं, सपोज क्या फाइव हैं, लेकिन आप टू कंसिडर करो, ठीक है। नहीं, सपोज करो बाइक है आपकी, ठीक है, और बाइक के कितने टायर्स हैं, टू हैं, ठीक है, दो पहिए हैं। अब क्या ये पॉसिबल है कि आप एक पहिए पे बाइक चला लो या स्कूटी ड्राइव कर लो? इट इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल ना। तो यहाँ पे क्या है, एक जो ऑप्शन है, एक प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, एक पहिए के बिना दूसरा पहिया कैसे चलेगा बॉस, गाड़ी नहीं चल पाएगी। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर द गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर। एक दूसरे के लिए डिमांड कम इंक्रीज करते हैं, एंड देयर फोर आर डिमांडेड टुगेदर। दोनों एक दूसरे पे इस तरह से डिपेंडेंट हैं कि अगर हम एक को खरीदने जाएंगे, तो दूसरे को भी खरीदना पड़ेगा हमें, चाहे हम चाहें या ना चाहें। बिना एक के दूसरा काम ही काम कहीं नहीं है भैया। हम इतना पैसा खर्च कर दें किसी एक प्रोडक्ट के, बट उसका जो एक नेसेसरी आइटम है उस पे नहीं खर्च करेंगे, उसको नहीं लेंगे, तो वो तो पैसा फिर डूब गया जो आपने खर्च किया। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में दो प्रोडक्ट हैं जो दोनों एक दूसरे पे इस कदर डिपेंडेंट हैं कि आप चाहो या ना चाहो, आपको पैसे खर्च करने हैं, आपको दोनों प्रोडक्ट खरीदने हैं। सो अगर एक खरीदने जा रहे हो, एक का डिमांड करते हो, तो दूसरे का ऑटोमेटिकली डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। सो फॉल इन द प्राइस ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर, एंड राइज इन द प्राइस ऑफ वन कॉजेज डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ अदर। मतलब एक जो प्रोडक्ट है, अगर उसका प्राइस फॉल हो रहा है,
ठीक है, प्राइस फॉल हो रहा है तो दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हमने दो प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं, हम सब्स्टिट्यूट गुड्स में भी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी। क्लियर? देखो बॉस, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में जब एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा था तो दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज हो रहा था। यहाँ पे जो दो प्रोडक्ट हैं, एक के प्राइस इंक्रीज हो रही थी, दूसरे के डिमांड इंक्रीज हो रही थी। मींस दोनों कंडीशन में इंक्रीज ही हो रहा था। बट यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में एक प्रोडक्ट का अगर प्राइस फॉल हो रहा है तो दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड हाई हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फॉल इन द प्राइस ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ अदर, एंड राइज इन द प्राइस ऑफ वन कॉजेज डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ अदर। अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस इन फॉल हो रहा है तो दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज हो रहा है, और अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस राइज हो रहा है तो दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड डिक्रीज हो रहा है। चलो मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। सपोज़ बाइक का हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ बाइक है, ठीक है भैया, गाड़ी तो पेट्रोल के बिना नहीं चलती ना। आप एग्जांपल के लिए आप पेन इंक का भी ले सकते हो, पेन विदाउट इंक किसी काम के नहीं है। अगर आप पेन खरीदते हो तो भैया इंक की भी कंपल्शन है, ठीक है। बाइक अगर आप परचेज करने जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल का डिमांड बढ़ेगा, आप पेट्रोल को भी कंज्यूम करोगे, ठीक है। अगर सपोज़ बाइक की प्राइस फॉल हो रही है, चलो सपोज़ करो रॉयल इनफील्ड है, उसकी प्राइस फॉल हो रही है, ठीक है। अब प्राइस फॉल हो रही है तो जाहिर सी बात है डिमांड उस रॉयल इनफील्ड की बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हो जाएंगे जो कि उस प्राइस में ख़रीदने के लिए कैपेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो जब रॉयल इनफील्ड की प्राइस फॉल हुई, मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ, रॉयल इनफील्ड का डिमांड बढ़ गया, तो प्राइस फॉल हुआ तो पेट्रोल का भी तो डिमांड बढ़ा ना बॉस। जब डिमांड रॉयल इनफील्ड का ज़्यादा हुआ, गाड़ियाँ ज़्यादा हुई, तो पेट्रोल का भी तो डिमांड ज़्यादा हो गया, ठीक है। और अगर प्राइस बाइक की रॉयल इनफील्ड की बढ़ जाती है तो कम लोग परचेज़ करेंगे, डिमांड उसकी घट जाएगी, तो पेट्रोल की भी डिमांड घटेगी, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, मीन्स जो एक दूसरे पे एकदम इस कदर डिपेंडेंट हो कि दोनों एक दूसरे के बिना बेकार हो, ठीक है। इस कंडीशन में जो पहला प्रोडक्ट है, अगर उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है तो दूसरे का डिमांड डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर पहले की प्राइस डिक्रीज हो रही है तो दूसरे का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना? क्लियर? नाउ थर्ड पॉइंट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड को कैसे अफेक्ट करती है? बिल्कुल करती है बॉस। आपकी इनकम जो है, आपके फादर की जो इनकम है, आपको पॉकेट मनी आपके फादर दे रहे हैं, ठीक है। सपोज करो वो पॉकेट मनी ही आपकी इनकम है, ठीक। तो आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है और आपकी इनकम जिस हिसाब से होगी, आप उस प्रोडक्ट की डिमांड उस हिसाब से करोगे। सो इनकम ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो अफेक्ट्स द डिमांड। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स द डिमांड इंक्रीजेज इफ इनकम इंक्रीजेज। नॉर्मल गुड्स मीन्स नॉर्मली जो गुड्स हम कंज्यूम करते हैं, अगर इनकम इंक्रीज हो रहा है तो हम डिमांड इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और इनकम डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज कर देंगे। बट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, अगर इनकम इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तब आप सोचोगे कि यार ये घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट को हम क्यों यूज़ करें, हम अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जब इनकम इंक्रीज हुई तो उस इंफीरियर गुड्स का डिमांड डिक्रीज हुआ, और जब इनकम डिक्रीज हुआ तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड इंक्रीज हुआ, ठीक। नाउ फोर्थ पॉइंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। सो सिंपल सी बात है, आप आज के डेट के, आज के जनरेशन के बच्चे हो, आप आज के कंज्यूमर्स हो, आपको टेस्ट, फैशन, प्रेफरेंस, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट, वेदर,
ट्रेंडिंग स्टाइल्स, लेटेस्ट फैशन, इन सब में इंटरेस्ट होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो एक बाबा आदम के ज़माने का प्रोडक्ट हो और एक आज का प्रोडक्ट हो, आप जाहिर सी बात है आज वाले को यूज़ करोगे, ठीक है। हो सकता हो कोई प्रोडक्ट जो लास्ट ईयर लॉन्च हुई हो उससे अच्छी, वही प्रोडक्ट उससे अच्छी क्वालिटी में इस ईयर लॉन्च हो गई हो, तो जो लास्ट ईयर वाली प्रोडक्ट थी उसकी डिमांड डिक्रीज़ कर जाएगी, इस ईयर वाली की इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। तो जो क्लाइमेट है, अब मौसम, अब गर्मियों में ठंडी वाले स्वेटर तो बिकेंगे नहीं बॉस। अगर कोई कंसेलर बेच रहा है तो उसको तो प्रॉफिट होने से रहा, क्योंकि कोई परचेज़ नहीं करेगा, ठीक है। सो क्लाइमेट चेंज ऑफ फैशन, न्यू स्टाइल्स, न्यू इन्वेंशन, आपका टेस्ट, आपके प्रेफरेंसेस, लीडिंग स्टाइल्स, ट्रेंडिंग क्लोथ्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड को बहुत ज़्यादा हद तक अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जिस प्रोडक्ट को कंज्यूमर पसंद करेगा, आप जिस ईटेबल आइटम को प्रिफर करते हो, आपको उसका, सपोज़ आपको डोमिनोज का पिज़्ज़ा आपको अच्छा लगता है, आप उसे पसंद करते हो, तो जाहिर सी बात है उसका डिमांड इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और अगर आपको पिज़्ज़ा हट का वही पिज़्ज़ा आपको नहीं पसंद है तो हो सकता हो कि उसका डिमांड डिक्रीज करे। हो सकता है क्या भैया? जब आपको नहीं पसंद तो आप नहीं परचेज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड को डिसाइड करने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस मीन्स उम्मीदें, है ना। सो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या, उम्मीद कैसे किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड को अफेक्ट करती है? बॉस बिल्कुल करती है। कंज्यूमर को, यानी कि अगर आपको ये उम्मीद है, ठीक है, कि आने वाले फ्यूचर में किसी एक कॉमोडिटी के हो जिसे आप यूज़ करना चाहते हो, जिसे आप परचेज करना चाहते हो, जिसे आप रोज़ यूज़ करते हो, उसकी शॉर्टेज होने वाली है, सपोज़, ठीक है। आप खाना खाते हो, आप ईटेबल्स यूज़ करते हो, आप कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ कर सकते हो, आप क्लोथ्स यूज़ कर, जो भी चीज़ें आपकी नेसेसिटी की हैं या आप चाहते हो कि परचेज़ कर लें, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आने वाले 1 महीने 2 महीने के अंदर इस प्रोडक्ट की मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है, तो आप आज ही जो एग्जिस्टिंग रेट है ना, भले वो आज का रेट ही बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल रेट से वो रेट आज ज़्यादा है, फिर भी आप ख़रीद लोगे उसी एग्जिस्टिंग रेट पे, इस उम्मीद के साथ कि कल शायद ये प्रोडक्ट हमें मिले ही ना, मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है। हो सकता हो ना मिले, तो इससे क्या हुआ, आज के डेट में उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा हुई। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक दो सबसे अच्छा लेटेस्ट और रिलेटिंग एग्जांपल है आज के डेट में ओनियन का, प्याज, जिसे आप रोज़ कंज्यूम करते होगे। प्याज कभी कभी नॉर्मल रहता है 20 रुपीज़ kg, 30 रुपीज़ kg, 40, और कभी कभी 100, 120 हो जाता है, ठीक है। तो सपोज़ नॉर्मल रेट है 30 रुपीज़ kg, ठीक है, ये नॉर्मल रेट है। एक टाइम आया आप रोज़ 30 रुपीज़ पे आप कंज्यूम करते हो, सपोज़ कल तक आप 30 रुपीज़ kg पे आप ऑनियन ख़रीद रहे थे, आज क्या हुआ, उस ऑनियन का प्राइस क्या हो गया, 50 रुपीज़ kg है, ठीक। और आज आपको पता चल रहा है, आपको लग रहा है कि आने वाला जो फ्यूचर है, कल परसों, हो सकता हो उस प्याज का दाम 100 हो जाए या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो आप क्या करोगे? आप, हो सकता हो 1 kg के सिवा आप 2, 3, 5, 10 या हो सकता हो और भी ज़्यादा उस एग्जिस्टिंग एक्स्ट्रा रेट पे, 30 रुपये नॉर्मल रेट है, 50 रुपये जो 20 रुपये का ज़्यादा डिफरेंस है ना, उस एग्जिस्टिंग 50 रुपीज़ पे जो ऑलरेडी आप ज़्यादा पे कर रहे हो, उस रेट पे ही आप और ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद के होल्ड कर लो अपने पास, इस उम्मीद में कि हो सकता हो कि कल बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा तो हमें दिक्कत होगी, ठीक है। तो आज के डेट में क्या हुई, उस 50 रुपये पे, जो कि ज़्यादा है ऑलरेडी, ज़्यादा ऑलरेडी है दाम उसका, लेकिन फिर भी आपने ख़रीद के अपने पास, अपने घर में सेव सेफली रख लिया, इस उम्मीद में कि कल बहुत महंगा हो जाएगा बॉस, नो, ठीक है।
सो एक्सपेक्टेशंस ऑल्सो पुट अ ग्रेट एम्फेसिस ऑन डिमांड ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज साइज ऑफ पॉपुलेशन. साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या एक सिंपल सा फंडा है कि बॉस जितना बड़ा देश जितनी ज़्यादा आबादी जितनी ज़्यादा जनसंख्या उतनी ज़्यादा कंज्यूमर उतनी ज़्यादा डिमांड. ठीक है, जितना हायर पॉपुलेशन होगा उतना ही हायर किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड होगा, और जितना कम पॉपुलेशन होगा उतना ही कम डिमांड होगा. ठीक, सिंपलेस्ट पॉइंट. नाउ नेक्स्ट इज एंड द लास्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब क्या कि मार्केट में जो पैसे हैं वो इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं लोगों के बीच में कि अमीर और अमीर बनता चला जा रहा है और गरीब बनता चला जा रहा है. मिडिल पर्सन की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है, यहाँ बात किसकी हो रही है, रिचर सेक्शन की और पुअर सेक्शन की. जो रिच पीपल हैं वो और ही रिच होते जा रहे हैं और जो पुअर हैं वो और ही पुअर होते जा रहे हैं. तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो रिच पीपल हैं जो और रिच होते जा रहे हैं वो लग्जरी आइटम्स के डिमांड को इंक्रीज़ करेंगे. भैया वो अमीर हैं तो लग्जरी आइटम्स खरीदेंगे. ठीक है, और जो पुअर पीपल हैं हो सकता हो वो और पुअर जब होते जा रहे हैं तो वो एक नॉर्मल गुड्स को छोड़ो, वो इन्फीरियर जो मतलब अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं होते हैं, नॉर्मल गुड्स से भी कम क्वालिटी में उनके प्रोडक्ट होते हैं, उस प्रोडक्ट के तरफ शिफ्ट हो जाए, इन्फीरियर गुड्स का डिमांड इंक्रीज हो जाए. ठीक है, सो इन दिस पॉइंट व्हाट आई मीन टू से इज़ कि इनकम इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि रिचर इज़ गोइंग टू बिकम मोर रिचर एंड पुअर इज़ बिकमिंग पुअरर. सो व्हाट इट पुट हाउ इट पुट अफेक्ट्स इन केस ऑफ रिच पीपल, लग्जरी जो गुड्स हैं उनका डिमांड इंक्रीज हो रहा है और पुअर जो लोग हैं उनके केस में इन्फीरियर गुड्स का डिमांड इंक्रीज हो रहा है. सो दिस इज़ इट गाइज, दिस इज़ वॉट आर टॉपिक कवर्स. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर डिमांड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ सपोर्ट मी, आई नीड योर सपोर्ट. थैंक यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय.